हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेद। स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन कन्वे करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पीएमओ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो नीट पीजी 2021 का जो एग्ज़ाम है, कम से कम उसको 4 महीनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कई सारी हेडलाइंस आपको मिल जाएंगी। सो नीट पीजी एग्ज़ाम 2021 टू बी पोस्टपोन अगेन। ऑलरेडी एक बार ये पोस्टपोन हो चुका है। सो स्टूडेंट विल हैव टू वेट एटलीस्ट दीज many months। तो ये जो month है, कम से कम 4 महीने बताए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, NEET PG for at least 4 months, 4 महीनों के लिए कम से कम ये exam postpone हो चुका है। तो इसका मतलब 31st अगस्त से तो पहले ये एग्जाम होने से रहा। ओके, अब इस इंफॉर्मेशन में ये भी बताया गया है कि ये जो एग्जाम की जो भी डेट्स जो अनाउंस होंगी, वो कम से कम 1 महीने पहले आपको बता दिया जाएगा, आपको एग्जाम से पहले, जिस दिन भी एग्जाम कराना होगा उसके 1 महीने पहले। ओके, तो ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है कि जो भी जो स्टूडेंट्स हैं, उनको रिक्वेस्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि वो COVID-19 के लिए अपनी जो भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सके। तो क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस है इंडिया में डॉक्टर्स एंड नर्सेज के लिए आज के टाइम में, कोविड की सिचुएशन में। तो इन सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो अपनी सर्विसेज कोविड-19 के लिए प्रोवाइड कराए। तो अब जो डाउट्स आता है, जो नीट यूजी के स्टूडेंट हैं, उनके मन में डाउट आता है कि क्या सर हमारा भी जो एग्ज़ाम है वो क्या पोस्टपोन होगा। तो अभी आप लोगों को कम से कम 1 महीने तो वेट करना ही पड़ेगा, तभी कुछ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी करेगी। क्योंकि अभी नीट का जो हमारा एग्ज़ाम है 1st अगस्त को होना था, उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आई है। तो वेट करते हैं मई, क्योंकि अभी हमारे पास ये मई महीना चल रहा है, उसके बाद जून भी है, फिर जुलाई भी है और फिर अगस्त भी है। 1st अगस्त को हमारा एग्जाम है, नीट यूजी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, तो अभी आप भूल जाइए कि आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी बाहर आने वाली है। तो सिंपली आपने क्या करना है, अपने एग्जाम पे फोकस करना है, इन सब चीज़ों से आपने दूर रहना है कि फिर से एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं। अभी स्टिल यू हैव मोर देन 2.5 मंथ, सो अभी भी टाइम है। तो आप लोग अपना आराम से प्रिपेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।